अभी हम इसका कनेक्शन समझेंगे। अब ये टोटल तीन लिम्स है, एक दो और ये तीन। अभी हर एक लिम में टोटल चार मिला के एक हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग बनेंगी और एक लो वोल्टेज वाइंडिंग बनेंगी। तो ये जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, इसके अंदर जो कॉपर का जो हम उसको गेज बोलेंगे, वो गेज कम रहता, और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग रहती उसके अंदर जो हमारे कंडक्टर का जो गेज है वो ज़्यादा रहेगा, यानी ज़्यादा रहेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमको हमारे हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर करंट ये कम रहेगा, वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, जो कि 11,000 वोल्ट। और ये इसके पहले के वीडियो भी मैंने बताया है। अभी हम इसको बुक में निकाल के देखते कि कैसा क्या इसका कनेक्शन रहेगा। ठीक है, अभी इतना जान लो कि ये जो आपको आउटर वाला कंडक्टर दिख रहा है, ये इसका एंड पॉइंट है, और इसके अंदर से जो टर्मिनल दिख रहा है आपको जाते वाला, वो जो स्टार्ट पॉइंट है। यानी जब हम एक वाइंडिंग बनाते हैं तो वाइंडिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा कंडक्टर की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलेंगे स्टार्ट पॉइंट, और ये जो जहाँ पे हम हमारी वाइंडिंग का एंड करेंगे वो रहेगा हमारा एंड पॉइंट। तो अभी हम इसको बना सकते हैं डेल्टा। डेल्टा कैसा बनाएंगे, मान के चलो ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, एक मिनट। उस केस में फॉर एग्जांपल ये हमारा डेल्टा है, जो कि 1, 2, 3, 4 सेम, बाद में ऐसा 1, 2, 3, 4 ओके, 1, 2, 3, 4 ठीक है। आई हो गई हमारी कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3, कॉइल 4। अभी ये कंप्लीट मिला के बन जाएगा हमारा लिंब 1, है ना। ठीक है, और सेम ऐसा ही फिर ये भी। अभी क्या है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट, और ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, सेम यहाँ पे जो इसका एंड पॉइंट है, इसके लिए ये स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, सेम ये लिम लिम टू सेम लिम थ्री ठीक है। तो ऐसे टोटल तीन लिम पे टोटल 12 कॉइल्स दिस इज हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज कॉइल साइड कॉइल्स, HP coils। ठीक है,
अभी हम हमारा यहाँ से 3 टर्मिनल बाहर निकलेंगे जो कि हम शॉर्ट करके बनाने वाले क्लॉकवाइज।